टाटा स्टील पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 174 के स्तर पे इनकी बाइंग है और यहाँ पर इनको नुकसान होता हुआ। टाटा स्टील को देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने से बहुत कमाल तो नहीं, लेकिन इस बाज़ार में एक तरह से स्टेबिलिटी जो रही है वो स्टॉक में नज़र आई है। चूंकि इनकी बाइंग प्राइस जो हम देख रहे हैं वो 174 की है, थोड़ा ही नुकसान यहाँ पर होता हुआ। सौरभ, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, टाटा स्टील 174 की बाइंग और हाल फिलहाल जिस तरह के मूव नज़र आए हैं उसे देखते हुए आप क्या रिकमेंडेशन देंगे? जो ग्लोबल आउटलुक है वो थोड़ा नरमी की तरफ इशारा कर रहा है। चाइना से अभी डिमांड बिल्कुल नहीं है, वहीं बाजार ऐसा भी मान रहा है कि ईसीबी ने अभी हाल फिलहाल में रेट काटा था, यूएस भी रेट काटेगा तो इससे शायद वर्ल्ड इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हमारी मार्केट तो ठीक चल रही है, लेकिन यूरोपियन ऑपरेशन जो कंपनी के मेजर ऑपरेशन है वहां पर ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सुधार देखने को मिले। वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि इनको कब इनका रेट वापस आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर आप एवरेज तो बिल्कुल ना करें, लेकिन अगले 1-2 साल के लिए आप निवेशित रहते हैं तो अवश्य पैसा बन सकता है, तो मेरे हिसाब से होल्ड।